तो गाइस आपके लिए मैं ये लेकर आया हूँ बोया का माइक्रोफोन। इसका पैकेट ये है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर मिलता है आपको ये यूजर मैनुअल, जिसके द्वारा आप इसमें इसके बारे में दुनिया भर की जानकारी ले सकते हैं। देख सकते हैं आप बोया। और एक मिलता है आपको ये वारंटी कार्ड, ये कुछ एक्सेसरीज हैं इसकी माइक की। ये मुझे इलायची दी है इन्होंने खाने के लिए, मेरे मुंह से शायद काफी बदबू आती है इन लोगों को। ये आपका माइक्रोफोन विद कंडेंसर, इसके बारे में भी आपको मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले इसके अंदर की एक्सेसरीज के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये आपको मिलेगा एक एयर फिल्टर, इसके अंदर एक ये है बैटरी, जो आपके DSLR का वीडियो बनाने के लिए काम आएगी। और ये है आपकी क्लिप, देख सकते हैं आप, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेटल की बनी हुई है। बस ये छोटा सा पार्ट प्लास्टिक का है। और ये एक और अडेप्टर दिया हुआ है इन्होंने, जैसे आप अभी कभी DSLR से वीडियो शूट कर रहे हो और या फिर अपने माइक में अटैच करने के लिए या आपको ज़रूरत पड़े तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके वायर के बारे में, तो वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है मुझे, लेंथ भी अच्छी है, 20 फीट लेंथ मिलेगी आपको। और ये रहा इसका माइक, देख सकते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका ये स्लाइडर, दो मोड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, ये स्मार्टफोन मोड, इसको आप ऊपर कर देंगे तो DSLR मोड, और नीचे कर देंगे तो स्मार्टफोन मोड। काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। दोस्तों अगर आपको DSLR से अपनी वीडियो शूट करनी है और इस माइक का यूज़ करना है तो आपको इसके अंदर बैटरी डालनी पड़ेगी। स्मार्टफोन के लिए इसमें बैटरी की जरूरत नहीं है, तो आपको बैटरी यहाँ से इसको ओपन करके, ये इसमें एक जगह दी हुई है, ये मेरे पास बैटरी है, ये आपको इसके अंदर डालनी होगी। कि दोस्तों यहां पर मैंने इसके अंदर बैटरी डाल दी है, तो आप इसको आप DSLR के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसको टाइट करके आपको यहां से ये ऑन करना है, ओके बाद आप स्मार्टफोन पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं ये इसका जो एयर फिल्टर है, ये है, यहाँ से आप इसको अंदर ऐसे कर सकते हैं। और ये जो उसके साथ अडेप्टर दिया है, आपको DSLR में लगाना है तो उसके अंदर आपको इसे अटैच करना होगा ऐसे, और DSLR में अटैच करना होगा। और आपको दिखाता हूँ मैं इसकी क्लिप का यूज, ये क्लिप है इसकी, क्लिप को आपको यहाँ लगाना है, ये जो है ये इसमें लगाना है ऐसे। सो गाइस ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है, लेंथ अच्छी है, बट इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये हर एक फ़ोन के साथ सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप हो सकता है आपके फ़ोन के साथ सपोर्ट कर जाए। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। Thank you so much and help each other. Thanks again.